वैशाखी पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की हरिद्वार आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरा मेला क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। गंगा स्नान को देखते हुए ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में जिलाधिकारी और SSP ने वैशाखी मेले में ड्यूटी कर रहे पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया। पुलिस प्रशासन ने पूरा मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 15 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको देखते हुए यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। बैसाखी का स्नान पर्व हरिद्वार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के क्षेत्रों से दूर दराज से भी आते हैं। साथ ही साथ इस बार एक विशेष बात ये भी है कि 14, 15, 16 तीन दिन का वीकेंड भी हो रहा है और छुट्टियां भी पड़ रही हैं और पिछला जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि वीकेंड्स पर आमतौर पर हरिद्वार में रश काफ़ी होने लगा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया जा रहा है, साथ ही साथ हमारे मिनिस्ट्रियल ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की है। देखिए, कोरोना के लिए अभी हम लोगों का बस यही अपील है कि मास्क का इस्तेमाल निश्चित रूप से करें, क्योंकि निसंदेह जो स्नान हो रहा है इसमें काफ़ी बाहर के लोग भी आ रहे हैं, तो हरिद्वार वासियों के लिए भी ये एडवाइजरी है और जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उनको भी आज शाम को एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो यथासंभव मास्क का उपयोग अवश्य करें, इससे उनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी। वैशाखी स्नान पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार आते हैं, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। पुलिस ने वैशाखी स्नान पर्व को देखते हुए रूट डाइवर्ट का भी प्लान बनाया है। देखिए, वैशाखी में जो काफी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं और वीकेंड भी पड़ रहा है और साथ ही साथ अम्बेडकर जयंती भी है, तो काफी सारे जुलूस भी हमारे शहर और देहात क्षेत्र में निकलेंगे। इसको देखते हुए जो लास्ट टाइम काफी रश हुआ था इसको वीकेंड पर, इसको देखते हुए हमने एक वैकल्पिक मार्ग भी रखा है, जो लक्सर क्षेत्र से अगर लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ प्रेशर होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाएगा। वापसी में भी देखा गया है कि जो दिल्ली और हरियाणा वापसी हो रही थी उसमें टोल पर जो काफ़ी भीड़ थी, 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, तो रानीपुर झाल से और ख्याति ढाबे से भी उसको हम डाइवर्ट करके नहर पटरी वाले मार्ग को भी प्रयोग करेंगे अगर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। तो समस्त तैयारियां कर ली गई, फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है, इसमें पर्याप्त पुलिस बल भी हमने अलग अलग पॉइंट पर लगाया। इस बार ट्रैफिक को लेकर हम देखिए वैशाखी में जो काफी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं और वीकेंड भी पड़ रहा है और साथ ही साथ अम्बेडकर जयंती भी है, तो काफी सारे जुलूस भी हमारे शहर और देहात क्षेत्र में निकलेंगे। इसको देखते हुए जो लास्ट टाइम काफी रश हुआ था इसको वीकेंड पर, इसको देखते हुए हमने एक वैकल्पिक मार्ग भी रखा है, जो लक्सर क्षेत्र से अगर लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ प्रेशर होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाएगा। वापसी में भी देखा गया है कि जो दिल्ली और हरियाणा वापसी हो रही थी उसमें टोल पर जो काफ़ी भीड़ थी, 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, तो रानीपुर झाल से और ख्याति ढाबे से भी उसको हम डाइवर्ट करके नहर पटरी वाले मार्ग को भी प्रयोग करेंगे अगर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। तो समस्त तैयारियां कर ली गई, फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है, इसमें पर्याप्त पुलिस बल भी हमने अलग अलग पॉइंट पर लगाया। इस बार ट्रैफिक को लेकर हम बता दें कि देश भर से वैशाखी पर्व पर हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में स्नान करने आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।